हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ ऑनलाइन एजुकेशन। आई अभय व्यास इज टुडे गोइंग टू रिज्यूम अवर कंप्यूटर सिलेबस विथ न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज एडिटिंग सेल कंटेंट। आई एम राइटिंग ओवर हियर द थिंग एडिटिंग सेल कंटेंट। दिस इज अवर चैप्टर नेम, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 4। तो बेसिकली एडिटिंग सेल कंटेंट्स का मतलब ये कि सेल के अंदर जो भी आप टाइप कर रहे हो उसे आप कैसे एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक सेल के अंदर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप की है, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे कर सकता हूँ, उसे एडिट कैसे कर सकता हूँ। दिस ऑल आर द थिंग्स दैट वी विल लर्न विद इन दिस चैप्टर, राइट। दिस इज कॉल्ड एडिटिंग द सेल कंटेंट्स। सो नाउ नॉर्मली इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू वर्क विथ एक्सेल, राइट। वो बेसिक चीज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। नाउ आई एम टाइपिंग सम डेटा इन अ सेल। मैं यहाँ पर पहले सेल के अंदर किसी डेटा को टाइप करता हूँ। सपोज आई एम टाइपिंग माई नेम अभय। इस सेल के अंदर मैं जो है वो मेरा ही सरनेम टाइप करता हूँ, दैट इज VYAS व्यास, राइट। सो दिस इज द टू नेम अभय एंड व्यास, दैट टू नेम आई हैव टाइप्ड ओवर हियर। अभी मुझे इस सेल के अंदर जो है वो एडिटिंग करना है, मतलब कुछ चेंजेस करने हैं। तो पहली चीज जो हम लर्न करते हैं वो है ओवरराइटिंग, राइट। पहली जो चीज है वो हम लर्न करते हैं वो है, मैं यहाँ पर सभी चीज राइट करता हूँ क्या क्या हम लर्न करेंगे उसके अंदर। पहली चीज जो है वो है फर्स्ट थिंग दैट इज ओवरराइटिंग। ओवर राइटिंग का मतलब यह है कि अगर मैंने किसी सेल के अंदर कुछ टाइप कर दिया, उसके ऊपर मैं ऐसे कर्सर रखता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है, ये सेल जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। दिस सेल इज नाउ सिलेक्टेड। एंड अगेन इफ आई वुड लाइक टू टाइप समथिंग, यहाँ पर मैं किसी भी चीज को टाइप करूंगा ना, तो ये रिप्लेस हो जाएगा जो भी कंटेंट आपने टाइप की है ना उसके ऊपर। मतलब कंटेंट जो टाइप की थी वो चली जाएगी, उसके जगह जो भी आप टाइप कर रहे हो। सपोज मैं यहाँ पर ये क्विज ऐसी एक वर्ड जो है वो टाइप करता और इफ आई प्रेस एंटर, मतलब जो पुरानी चीज मेरा नेम था वो डिलीट हो जाएगा, मतलब वो ओवरराइड हो जाएगा, उसकी जगह क्विज आ जाएगा। इसे कहते हैं ओवरराइड, राइट। ओवरराइटिंग का मतलब इसके ऊपर राइट हो जाना, तो जो पुरानी चीज है वो डिलीट हो जाएगी, इसके ऊपर जो भी चीज आप टाइप करोगे वो टाइप हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर से मैं मेरा नाम लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूं, तो क्या होता है, अभी जो भी चीज मैंने टाइप की थी क्विज वो चली गई और मेरा नेम यहां पर फिर से आ गया। तो इसे कहते हैं ओवरराइटिंग, राइट। अभी यहां पर भी वो सेम चीज मैं दोहराता हूं, व्यास की जगह मैं करता हूं यहां पर शो, ऐसा मैं टाइप करता हूं। अभी अगर गलती से कई बार ऐसा होता है कि आप जिस सेल में आपको टाइप करना है उस सेल के अंदर आपने गलती से ये चीज लिख दी, बट यहां पर तो मुझे व्यास ही लिखना होना था, राइट। पर गलती से मुझसे यहां पर शो लिखा हुआ आ गया, मैंने लिख दिया गलती से यहां पर, तो यहां पर एक ऑप्शन है कैंसल। अगर आप ओवरराइटिंग कैंसल करवाना चाहते हो तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो, तो ओवरराइटिंग कैंसल हो जाएगा, तो पुराना वाला जो नेम है वो आ जाएगा। फिर से यहां पर मैं गलती से अभय की जगह में नाम टाइप करता हूं, सपोज शिवम। अभी मैंने एंटर जब तक नहीं प्रेस किया ना तब तक मैं इसे कैंसिल कर सकता, राइट। अगेन आई क्लिक ऑन द कैंसिल बटन और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बट अगर मैंने शिवम टाइप कर दिया और गलती से मेरे से एंटर टाइप हो गया, तो शिवम यहां पर रिप्लेस हो जाएगा, राइट। तो आपको जो है अगर कैंसिल करना है तो आप यहां पर क्रॉस सिंबल से कैंसिल कर सकते हैं, और अगर कैंसिल नहीं करना रिप्लेस ही करना है तो आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, और यहां पर एंटर की ही है, ये ट्रू साइन है ना, वो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये रिप्लेस अगेन हो जाएगा, राइट। तो आप यहां पर ट्रू साइन में भी क्लिक कर सकते हो, जब भी टाइप करोगे तभी ये आपको यहां पर दिखेगा। एक बार टाइप कर दिया एंटर प्रेस कर दिया फिर यहां पर ये बटन नहीं होंगे, मतलब जब भी आप टाइप करते हो ना तभी ये एडिटिंग मोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात थी ओवरराइटिंग की। अभी दूसरा एक कंसेप्ट आ रहा है, दूसरी जो चीज है उसका नाम है पार्शियल मॉडिफिकेशन, दैट इज पार्शियल मॉडिफिकेशन। दिस इज द सेकेंड थिंग।
पार्शियल मॉडिफिकेशन का मतलब भी है कि आई वॉन्ट टू मॉडिफाई दिस कंटेंट, इस कंटेंट को मुझे थोड़ी चेंज करना है। अभी टाइप की है वो ओके है, उसके अंदर थोड़ा चेंज करना है मुझे। सपोज यहाँ पर व्यास की जगह जो है आगे भी मुझे कुछ लिखना है, राइट। सपोज मुझे यहाँ पर कुछ चीज एडिटिंग करनी है, कुछ यहाँ पर मॉडिफाई करना है, तो मैं डायरेक्टली टाइप करूंगा तो ये जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, वो चला जाएगा, राइट। मैं सपोज यहाँ पर लिखता हूँ व्यास, और अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे जो है वो यहाँ पर क्रॉस और ट्रू साइन मतलब एंटर, एंटर से ये एंटर हो जाएगा, बट मुझे क्या करना है, ये वी जो है ना वो कैपिटल में चाहिए। तो ये क्या हुआ, अगर वी मुझे कैपिटल में चाहिए तो इसे कहते हैं एडिटिंग। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, माउस से डबल क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर कर्सर दिखेगा, राइट। जब भी आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पर कर्सर आ जाता है। फिर मैं बैकस्पेस की से कैपिटल में वी टाइप करूंगा तो कैपिटल में व्यास आ गया, और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। सेम चीज मुझे यहाँ पर करनी है, अभी टाइप किया हुआ है, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। फिर मुझे कर्सर को ए के पास लाना है, फिर बैकस्पेस की प्रेस करनी है और आई हैव टू टाइप कैपिटल ए। सो अभी यहाँ पर रिप्लेस हो गया ए बी एच ए वाई वी वाई ए एस। तो ऐसे आप जो है वो किसी भी सेल की कंटेंट को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द पार्शियल मॉडिफिकेशन, इसे आप क्या कहोगे, पार्शियल मॉडिफिकेशन। कई बार ऐसा भी होता है, सपोज मुझे जो है मैं यहाँ पर कुछ चीज लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस टी, बराबर। फिर मैं एंटर, गलती से मुझसे एंटर प्रेस हो गया, बट मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड पूरा स्पेलिंग लिखना होना था, बट गलती से एस टी लिखा हुआ आ गया। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा और एस टी ए एन डी ए आर डी एंड प्रेस एंटर, सो दिस इज नाउ बिकम द स्टैंडर्ड। ऐसे भी आप एडिटिंग कर सकते हो। और दूसरी चीज, सपोज नीचे भी मैं ये सेम चीज रिपीट करता हूँ एस टी एंड देन आई प्रेस एंटर, अभी मुझे यहाँ पर फिर से एडिटिंग करना है तो उसकी एक शॉर्टकट की भी है कीबोर्ड में से, F2 की अगर आप प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एडिटिंग मोड में चला जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो है वो एडिटिंग कर सकते हो। उसकी शॉर्टकट की का नाम क्या है, दैट इज F2, राइट। F2 शॉर्टकट की से भी सेल के अंदर आप एडिटिंग ऐसे कर सकते हो। डबल क्लिक अगर आपको ऐसा नहीं करनी, और किसी भी सेल में अगर आपको एडिटिंग करना है तो ऐसे सेल को सिलेक्ट करो, फिर कीबोर्ड में से F2 की जो है उसे प्रेस करो तो ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा, राइट। सो ऐसे आप किसी भी सेल को पार्शियल मॉडिफिकेशन उसके अंदर कर सकते हो। सो एडिटिंग जो अभी हमने लर्न किया वो एक बेसिक एडिटिंग था, पार्शियल एडिटिंग जो हमने मॉडिफिकेशन किया। ऐसे कई सारे एडिटिंग के कमांड्स अवेलेबल है एक्सेल के अंदर। सो उसके अंदर जो दो टाइप के कमांड है उसका यूज हम फ्रिक्वेंटली करते हैं। ये दोनों टाइप के कमांड का नाम है अंडू एंड रिडू। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पर मैं दूसरे सेल में क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी, ओके। तो ये दोनों कंटेंट मैंने लिखी, उसमें लास्ट मैंने कौन सी कंटेंट लिखी, ए बी सी, राइट। तो अभी यहाँ पर एक बटन है जिसका नाम है अंडू। सो वंस यू प्रेस दिस अंडू इट विल डिलीट द लास्ट सेक्शन, व्हाटएवर द लास्ट एक्शन यू हैव डन दैट एक्शन इज डिलीटेड, मतलब वो एक्शन जो है वो चली जाएगी, डिलीट नहीं होगी, बट लास्ट एक्शन जो भी आपने की है वो एक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द अंडू, राइट। दिस इज द बटन ऑफ अंडू। अंडू मीन्स इट विल अंडू द लास्ट एक्शन, व्हाटएवर द लास्ट एक्शन यू हैव डन इट विल मेक अंडू ऑफ दिस एक्शन। अभी इससे पहले हमने कौन सी एक्शन की थी, वो थी एक्स वाई जेड टाइपिंग। फिर से आप अंडू प्रेस करोगे तो एक्स वाई जेड भी चला जाएगा, राइट। तो ये जो है अंडू, तो यहाँ पर ये सारी चीज आपको लिस्ट ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इज ओवर हियर, मतलब लास्ट आपने कौन कौन सी चीज की थी, राइट। सो लास्ट में हमने एक्स वाई जेड ए बी सी ये दोनों टाइप किया था, तो ये दो लास्ट एक्शन जो है वो चली गई। उससे पहले हमने ये स्टैंडर्ड वाली थिंग जो है उसे टाइप की थी, अगेन आई टाइप दिस अंडू तो ये स्टैंडर्ड वाली थिंग में कर्सर आ जाएगा, फिर से मैं टाइप करूंगा तो ये स्टैंडर्ड वाली चीज जो है वो चली जाएगी। उससे पहले एस टी टाइप किया था, फिर से अंडू तो एस टी चला जाएगा, फिर से अंडू तो ये भी चीज चली जाएगी। तो ऐसे जो है ना वो लास्ट एक्शन को रिमूव करने के लिए अंडू ऑपरेशन इज यूज्ड,
नाउ अगेन आई टाइप समथिंग सपोज एक्स वाई जेड देन ए बी सी, राइट, ये दोनों चीज मैंने टाइप की है, अंडू प्रेस करूंगा तो ए बी सी चला जाएगा, और उसका रिवर्स एक ऑपरेशन है, उसका नाम है रिडू. रिडू मीन्स वट एवर द एक्शन विच इज अंडू इट विल अगेन रिडू दैट एक्शन, मतलब जो एक्शन चली जाती है उसे फिर से लाने के लिए रिडू ऑपरेशन इज यूज. सो व्हेन आई क्लिक हियर तो ए बी सी इज अवेलेबल हो गई. अभी देखना, क्लिक हियर एक्स वाई जेड, पहले ए बी सी गया फिर एक्स वाई जेड गया, अभी अंडू रिडू रिडू, मतलब लास्ट एक्शन जो चली जाती है उसे फिर से लाने के लिए रिडू ऑपरेशन इज यूज, राइट. सो दिस इज द रिडू, लास्ट एक्शन को लाने के लिए और लास्ट एक्शन को रिमूव करने के लिए अंडू. अंडू रिमूव द लास्ट एक्शन, रिडू विल रिकॉल द लास्ट एक्शन. सो ये मैंने यहाँ पर बटन के द्वारा अभी परफॉर्म किया. इसको परफॉर्म करने के लिए यू कैन यूज द शॉर्टकट की, राइट. उसके अंदर अंडू की शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस एक्स, मतलब कंट्रोल प्लस जेड, मतलब कंट्रोल के साथ आपको जेड प्रेस करना होगा. एंड रीडू की शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस वाई, मतलब एक बार आप कंट्रोल जेड, सपोज मैं यहां पर इसे इस दोनों को डिलीट करता हूं, यहां पर मैं टाइप करता हूं एक्स वाई जेड, यहां पर ए बी सी. अभी जब मैं कंट्रोल की के साथ जेड, कीबोर्ड के अंदर जो शॉर्टकट की आती है कंट्रोल की, उसके साथ मैं जेड प्रेस करूंगा तो ए बी सी चला जाएगा, मतलब ये अंडू ऑपरेशन परफॉर्म हुआ. अगेन इफ आई टाइप कंट्रोल जेड तो एक्स वाई जेड चला जाएगा, कंट्रोल वाई तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, कंट्रोल वाई तो ए बी सी आ जाएगा. तो ये चीज जो है वो शॉर्टकट की से भी आप परफॉर्म करवा सकते हो. सो नाउ आई हैव यूज शॉर्टकट की ओवर हियर एंड आई हैव परफॉर्म दिस पर्टिकुलर थिंग बाय शॉर्टकट की. सो दिस इज अबाउट द अंडू एंड रिडू फैसिलिटी. अभी जो है वो हम एक और चीज सीखते हैं कि सपोज अभी हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन ऐसे तो कर लिया, पर अभी किसी भी डेटा को मुझे डिलीट करना है. सपोज आई वॉन्ट टू डिलीट, तो नॉर्मली आप सपोज किसी भी सेल के अंदर के डेटा को डिलीट करना चाहते हो तो यू विल हैव टू सिलेक्ट द सेल. आप सेल के ऊपर से कर्सर से सिलेक्ट करो, फिर कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस करोगे तो ये डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा. राइट, नाउ डेटा इज डिलीटेड. नाउ सपोज मैं यहां पर क्लिक करता हूं दूसरे डेटा पर, कीबोर्ड में से आप बैकस्पेस की प्रेस करोगे तो भी डेटा डिलीट हो जाएगा और एडिटिंग मोड में आपका कर्सर आ जाएगा. राइट, अभी क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस ये है. सपोज एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, एक्स वाई जेड और ए बी सी. एक्स वाई जेड के अंदर मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, डिलीट की प्रेस करूंगा कीबोर्ड में से तो डेटा डिलीट हो जाएगा, और ए बी सी में मैं बैकस्पेस की प्रेस करूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा और आप यहाँ पर नया डेटा ऐसे टाइप कर सकते हो. राइट, अगर टाइप नहीं करना है तो आप एंटर की भी प्रेस कर सकते हो. तो ऐसे आप जो है वो बैकस्पेस की और डिलीट की से डेटा को डिलीट कर सकते हो. राइट, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ. एसई डी कर मैं यहाँ पर कोई एक डेटा टाइप करता हूँ, एक नॉर्मल स्पेलिंग टाइप करता हूँ, सपोज ए बी सी नॉर्मल, देन आई सिलेक्ट दिस ए बी सी और यहाँ पर एक ऑप्शन है दैट इज क्लियर. वंस यू क्लिक ऑन द क्लियर, यहाँ पर पूछ रहा है आपको कि कौन कौन सी चीज डिलीट करनी है, फॉर्मेट डिलीट करना है, कंटेंट डिलीट करना है, या तो कमेंट डिलीट करना है. और इफ यू क्लिक ऑन क्लियर ऑल तो यहां पर से डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा. राइट, सो आप तीन तरीके से डेटा को डिलीट कर सकते हो, बाय प्रेसिंग डिलीट की. डिलीट की से भी आप डेटा को डिलीट कर सकते हो, बाय प्रेसिंग बैकस्पेस की, और बाय प्रेसिंग क्लियर ऑप्शन. क्लियर ऑप्शन जो है वो होम टैब के अंदर आपको यहां पर क्लियर ऑप्शन मिलेगा. राइट, अगर तीनों डेटा को एक साथ डिलीट करना है तो आप शिफ्ट की से एरो की से ऐसे तीनों डेटा को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप माउस से ड्रैग कर तीनों डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो. क्लियर में जाकर क्लियर ऑल करोगे तो ये तीनों डेटा को डिलीट आप ऐसे कर सकते हो. राइट, सो दिस इज द कॉमन ऑपरेशन ऑफ डिलीट द डेटा. अभी जो चीज हम सीखने वाले हैं वो कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन है, कि हाउ टू कॉपी एंड हाउ टू पेस्ट द डेटा. डेटा को आप कॉपी कैसे कर सकते हो, डेटा को आप पेस्ट कैसे कर सकते हो.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभय व्यास जो नाम लिखा है वो नाम मुझे यहाँ पर कॉपी कर कर चाहिए इस जी कॉलम। तो मैं क्या करूँगा, इस सपोज अभय, पहले मैं अभय को कॉपी करना चाहता हूँ, तो अभय को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, फिर कॉपी कर कर ऑप्शन होम टैब के अंदर अवेलेबल है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसे मैं जी पे अंदर मैं कर्सर को ले जाऊँगा और यहाँ पर एक पेस्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये नाम जो है वो कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगा। सेम चीज व्यास को मुझे कॉपी करना है, तो व्यास के ऊपर मैं ऐसे कर्सर रखूंगा, कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर जहां पर मुझे उस नेम को जो है वो कॉपी कर कर चाहिए वहां पर मैं ऐसे कर्सर रखूंगा, फिर पेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो नाम जो है उसके साथ सरनेम भी ऐसे कॉपी हो जाएगी। तो ऐसे आप डेटा को नॉर्मली कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉपी, ये पहले टाइप की कॉपी हुई। अभी मुझे ये दोनों नेम को एक साथ कॉपी करना है, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड माउस से लेफ्ट की प्रेस कर रखूंगा, फिर मैं माउस को ऐसा ड्रैग करूंगा तो ये दोनों नाम एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, नेम एंड सरनेम बोथ आर सिलेक्टेड टुगेदर। देन आई क्लिक ऑन कॉपी। अभी मुझे सपोज इसे यहां पर पेस्ट करना है, तो मैं यहां पर कर्सर रखूंगा, फिर पेस्ट के ऊपर ऐसा क्लिक करूंगा, तो यहां पर जो है वो ये प्रेस होकर पेस्ट होकर आ जाएगा। समझ में आया? सपोज यहां पर भी हम सेम चीज करते हैं, मुझे ये सभी डेटा को कॉपी करना है, तो मैं यहां पर कर्सर को माउस को लाऊंगा, यहां पर क्लिक करूंगा तो ये सेल सिलेक्ट होगा, फिर माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके ही रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, फिर यहां से माउस को ड्रैग करूंगा तो ये सारे डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गए, फिर मैं माउस की क्लिक को छोड़ दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर जिस जगह मुझे इसको कॉपी कर लाना है उस जगह मेरे कर्सर को पुट करूंगा क्लिक करके, फिर पेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये डेटा यहाँ पर पेस्ट होकर आ जाएंगे। ऐसे आप डेटा को जो है वो कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। दिस इज द नॉर्मल वे टू कॉपी एंड पेस्ट योर डेटा। नाउ एक दूसरा तरीका है कॉपी पेस्ट करने का, विदाउट क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करे बगैर अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हो, राइट। कॉपी की शॉर्टकट की मैं यहाँ पर लिखता हूं, कॉपी की शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस सी, एंड पेस्ट की शॉर्टकट की वो है कंट्रोल प्लस वी, राइट। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। मुझे सपोज ये नाम को कॉपी करना है, तो नाम के ऊपर मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, देन आई वांट टू कॉपी दिस नेम टू दिस सेल, सो आई कैन यूज कंट्रोल वी, तो यहां पर नेम आ जाएगा। सेम दिस सरनेम आई वांट टू यूज कंट्रोल सी, एंड आई वांट टू पेस्ट इट ओवर हियर बाय कंट्रोल वी, ऐसे जो है वो नाम भी पेस्ट हो जाएगा। इस पूरे डेटा को मुझे कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप सारी चीज को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, और यहां पर मुझे पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा। जिस भी डेटा के ऊपर आपने कंट्रोल सी प्रेस किया हुआ होगा वहां पर ऐसी बॉर्डर आ जाएगी डैश्ड, ये जो है ना वो डैश्ड बॉर्डर है, मतलब ये डेटा को आपने एक बार कॉपी कर लिया है, और कॉपी किए हुए सभी डेटा कहां पर स्टोर रहते हैं, क्लिप आर्ट के अंदर, राइट। क्लिप आर्ट के अंदर कॉपी किए गए सारे डेटा जो है वो क्लिप बोर्ड या तो क्लिप आर्ट के अंदर उसको सेव किया जाता है टेम्पररी टाइम के लिए, राइट। तो ऐसे आप डेटा को कॉपी और पेस्ट नॉर्मली कर सकते हो। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ कॉपी एंड पेस्ट योर डेटा बाय शॉर्टकट की एंड बाय द ऑपरेशन बाय द ऑप्शन। आप ऐसे ऑप्शन के द्वारा या तो शॉर्टकट की के द्वारा डेटा को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक एडिटिंग फैसिलिटी दैट वी हैव लर्न टुडे। आज हमने जो है वो बेसिक फैसिलिटी जो एडिटिंग के बारे में थी वो सभी चीज हमने लर्न की। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न मोर एडिटिंग फैसिलिटी इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर और भी एडिटिंग फैसिलिटी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर के अंदर फिर से लर्न करेंगे। टुडे वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर ओवर हियर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।